पंचायत राज के संवैधानिक और प्रमुख मुद्दे। भारत में हर साल 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का विहंगावलोकन करने से ज्ञात होता है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाए जाने का कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कोई भी देश, राज्य या संस्था सही मायने में लोकतांत्रिक तभी मानी जा सकती है जब शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण हो एवं विकास का प्रवाह ऊपरी स्तर से निचले स्तर की ओर होने के बजाय निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर हो। पंचायती राज व्यवस्था में विकास का प्रवाह निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर करने के लिए साल 2004 में पंचायती राज को अलग मंत्रालय का दर्जा दिया गया। भारत में पंचायती राज के गठन और उसे सशक्त करने की अवधारणा महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित है। 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम की विशेषताएं। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा की गई है। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243 तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वे कार्य कर सकती हैं जैसा राज्य विधानमंडल विनिर्धारित करें। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी और आवंटित क्षेत्रों की संख्या के बीच का अनुपात साध्य हो और सभी पंचायत क्षेत्र में समान हो। संविधान का अनुच्छेद 243 घ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है। प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहां की आबादी के अनुपात में होगा। पंचायत राज के मुद्दे। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार करने की आवश्यकता है ताकि वो अपना स्वयं का धन जुटाने में सक्षम हो सकें। पंचायतों के कामकाज में क्षेत्र के सांसदों और विधायकों के हस्तक्षेप से भी उनके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 73वें संशोधन ने केवल स्थानीय स्वशासी निकायों के निर्माण को अनिवार्य किया है, साथ ही राज्य विधानसभाओं को शक्तियां, कार्य और वित्त सौंपने का निर्णय छोड़ दिया है। ये पंचायती राज संस्थाओं की विफलता का मुख्य कारण थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पानी के प्रावधान जैसे विभिन्न शासन कार्यों का हस्तांतरण अनिवार्य नहीं था। इसके बदले संशोधन ने उन कार्यों को सूचीबद्ध किया जिन्हें स्थानांतरित किया जा सकता था। वास्तव में कार्यों को स्थानांतरित करने के लिए इसे राज्य विधायिका पर भी छोड़ दिया गया था। पिछले 26 सालों में प्राधिकरण और कार्यों का हस्तांतरण बहुत कम हुआ है क्योंकि इन कार्यों को कभी भी हस्तांतरित नहीं किया गया था। राज्य के कार्यकारी अधिकारियों ने इन कार्यों को करने के लिए विस्तार किया है। सबसे आम उदाहरण विभिन्न राज्यों के जल बोर्ड हैं। संशोधन की प्रमुख विफलता पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त की कमी है। स्थानीय सरकारें या तो स्थानीय करों के माध्यम से अपना राजस्व बढ़ा सकती हैं या अंतर सरकारी स्थानांतरण प्राप्त कर सकती हैं। PRI के दायरे में आने वाले विषयों के लिए भी कर लगाने की शक्ति को विशेष रूप से राज्य विधानमंडल द्वारा अधिकृत किया जाना है। 73वें संशोधन ने इसे राज्य विधानसभाओं के लिए एक विकल्प के रूप में खुला रहने दिया है।
इसका एक ऐसा विकल्प भी है जिसका अधिकांश राज्यों ने प्रयोग ही नहीं किया है। राजस्व सृजन का दूसरा तरीका अंतर सरकारी हस्तांतरण है, जहां राज्य सरकारें अपने राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करती हैं। संवैधानिक संशोधन ने राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व हिस्सेदारी की सिफारिश करने के लिए राज्य वित्त आयोगों के लिए प्रावधान बनाए हैं। हालांकि ये केवल सिफारिशें हैं और राज्य सरकारें इन्हें मानने को बाध्य नहीं है। हालांकि वित्त आयोगों ने हर स्तर पर धन के ज्यादा से ज्यादा हस्तांतरण की वकालत की है, लेकिन राज्यों द्वारा धन हस्तांतरित करने के लिए अभी बहुत कम कार्रवाई की गई है। पंचायती राज संस्थाएं उन परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए अनिच्छुक हैं, जिनके लिए किसी सार्थक वित्तीय परिव्यय की आवश्यकता होती है। अक्सर वे स्थानीय प्रशासन की सबसे बुनियादी जरूरतों को भी हल करने में असमर्थ होते हैं। पंचायती राज संस्थाएं संरचनात्मक कमियों यानी कोई सचिवीय समर्थन और तकनीकी ज्ञान स्पष्ट रूप से बनने से भी ग्रस्त हैं, जो कि निचले स्तर पर बॉटम अप प्लानिंग के एकत्रीकरण को प्रतिबंधित करती हैं। ग्राम सभा ग्राम समिति की बैठकों में एजेंडा का और उचित संरचना का अभाव है। यद्यपि 73वें संशोधन द्वारा अनिवार्य आरक्षण के माध्यम से महिलाओं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन महिलाओं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के मामले में क्रमशः पंचपति और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की उपस्थिति है। पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक व्यवस्था के 26 साल बाद भी जवाबदेही व्यवस्था बहुत कमजोर है। कार्यों और निधियों के विभाजन में अस्पष्टता के मुद्दे ने राज्यों के साथ शक्तियों के संकेंद्रण को बढ़ावा दिया और इसकी अनुमति दी, और इस तरह उन निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियंत्रित करने से रोक दिया है जो जमीनी स्तर के मुद्दों के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील हैं।